हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली स्टॉक। सो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बोडल कंपनी के, दैट इज बोडल केमिकल कंपनी के मार्केट में यहाँ पर क्वार्टरली वन रिजल्ट आ चुके हैं। सो रिजल्ट्स के आने के बाद आपको इस शेयर के अंदर किस तरह का मोमेंटम फेस देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है क्वार्टरली बेसिस पर, वो सिर्फ 2.5% यहाँ पर गिरकर हो चुके हैं 421 करोड़ रुपीज़। और उसके साथ साथ में जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स है क्वार्टरली बेसिस पर, वो 33% यहाँ पर बढ़कर हो चुके हैं 28 करोड़ रुपीज़। सो ओवरऑल बेसिस पर देखना जाए तो यहाँ पर कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव हमें साबित होते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो वो 259% बढ़कर हो चुका है 421 करोड़ रुपीज़। एज वेल एज कंपनी ने पिछले साल लॉस किया था 20 करोड़ रुपीज़ का, उसके सामने इस साल कंपनी ने 28 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है। मार्केट कैपिटलेशन की बात करूँ तो 1315.45 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि इस कंपनी को एक स्मॉल कैप कंपनी जरूर बनाता है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.74% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 2 रुपीज़। बीटा इसका 1.07, जो कि आपको बताता है कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 1.07% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 30.3, अगर उसके मुकाबले अगर हम इस शेयर का प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो है 24.46 के अच्छे खासे प्राइस टू अर्निंग पे करंटली शेयर जो है मार्केट में ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी काफ़ी अट्रैक्टिव शेयर है, दैट इज 1.33 का प्राइस टू बुक है और बुक वैल्यू शेयर की 80.55 रुपीज़। कंपनी के परफॉर्मेंस, दैट इज कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर अगर नजर डालते हैं तो 2020-2021 के अंदर भी कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ऑल दो 2021 में अभी हमें देखने को मिला, दैट इज मार्च तक आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन के अंदर यहाँ पर आपको फॉल जरूर देखने को मिला, बट कंपनी के रिसेंटली जो रिजल्ट आए हैं उसके कारण एक अच्छा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है जो ये हमें जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज कंपनी के जो यहाँ पर कंपनी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है वो काफ़ी यहाँ पर हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। ऑल दो बहुत सारी कंपनी के यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट, दैट इज क्वार्टरली वन रिजल्ट टू बी स्पेसिफिकली, बहुत नेगेटिव, दैट इज कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर ज़्यादा फॉल देखने को मिला, बट कंपनी के दैट इज क्वार्टरली वन रिजल्ट बोडल केमिकल कंपनी के जो मार्केट में जो क्वार्टरली वन रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर हमें साबित होते हुए देखने को मिले हैं। फाइव ईयर हाई प्राइस देखे तो वो है 193.75 और करंटली 107.4 के आसपास का शेयर जो है मार्केट में ट्रेड जरूर कर रहा है। 1.38% की गिरावट के साथ इसने फ्राइडे को जरूर क्लोजिंग दी है। सो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छी खासी ओपनिंग जरूर आपको इस शेयर के अंदर देखने को मिलेगी। इसलिए शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करूँ तो 120 या 115 या फिर एक अच्छा सा वॉलेटाइल स्टेट रहा तो 125 या फिर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको अपसाइड डायरेक्शन के अंदर जरूर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ऑल दो अगर यह शेयर करेक्ट करता है तो मेरे हिसाब से 100 या फिर 98 या फिर 95 के प्राइस बैंड के अंदर अगर ये शेयर फिर से आता तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी में निवेश करना स्टार्ट करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि बोडल केमिकल लिमिटेड कंपनी जो मार्केट में जो क्वार्टरली वन रिजल्ट है वो आपको अच्छे से पता चल गए होंगे और उसके ऊपर एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपको क्या डिसीजन लेना वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।